किस्मत की धनी हरमनप्रीत कौर विकेट पर गेंद लगने के बावजूद नहीं हुई आउट। जब यह घटना घटी तो मुंबई की कप्तान 11 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही थी। हरमन ने इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और 33 गेंदों पर 53 रनों की नाबाद पारी खेल टीम को जीत दिलाई। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 के 10वें मुकाबले के दौरान उस समय अजीबोगरीब घटना देखने को मिली जब हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी के दौरान गेंद स्टंप्स पर लगी, मगर किस्मत की धनी यह बैटर फिर भी आउट नहीं हुई। जी हां, रविवार रात WPL के 10वें मैच में UP की भिंत MI से हुई थी। इस मैच के दौरान हरमनप्रीत कौर जब बल्लेबाजी कर रही थी तो अंजलि की गेंद स्टंप्स पर जाकर लगी, मगर बेल्स ना गिरने की वजह से हरमन आउट नहीं हुई और अंत में जाकर वह यूपी की हार का कारण भी बनी। यह घटना मुंबई की पारी के 11वें ओवर की है। ओवर की तीसरी गेंद पर अंजलि ने हरमनप्रीत को गच्चा दे दिया और उनकी गेंद सीधा स्टंप्स पर जाकर लगी थी। गुजरात जायंट्स की कप्तान और विकेट कीपर एलिसा हीली तुरंत ही इस विकेट का जश्न मनाने लगी, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने विकेट की ओर देखा तो स्टंप्स नीचे नहीं गिरे थे। क्रिकेट नियमों के अनुसार जब तक स्टंप्स नीचे नहीं गिरते तब तक बैटर को आउट नहीं करार दिया जा सकता। हरमनप्रीत कौर की ऐसी किस्मत को देख यूपी वॉरियर्स के सारे खिलाड़ी हैरान थे। जब यह घटना घटी तो मुंबई की कप्तान 11 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही थी। अगर हरमन आउट हो जाती तो शायद यहां से यूपी मुंबई पर दबाव बना सकता था, मगर इस भारतीय बैटर ने इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और 33 गेंदों पर 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 53 रनों की नाबाद पारी खेल टीम को जीत दिलाई। हरमनप्रीत कौर को उनकी इस पारी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।